क्या हुआ था, हम लोगों ने एक टाइप लिख लिया था, यानी कि अगर क्वेश्चन में क्या हो कि दो संख्या दिया हो, क्या दिया हो, संख्या, और संख्याओं का योग गुणनफल या ऐसा कुछ दिया हो, तो हम क्या करेंगे, आसानी से बना लेंगे, है ना, ये वो टाइप हो गया। देखिए सारे क्वेश्चन आप टाइप जो पढ़ा टाइप वाइज समझ लीजिए, कैसे कौन क्वेश्चन बनता है इसको ध्यान से देख लीजिए, चैप्टर में जो होगा वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये तो समस्या बहुत ज़्यादा होगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, अगर मैं लाइन लाइन मतलब लाइन लाइन बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको टाइप समझा दूँ, फिर मैं जब पढ़ाऊँ तो आसान हो जाए आपको। तो बताया था ना आपको कि जोड़ होगा, एक एक गुणनफल होगा, एक का भागफल होगा, तो कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन का टाइप शुरू करिए, लिखिए टाइप टू, टाइप लिखवा रहे हैं, टाइप, ठीक है, ये क्वेश्चन का टाइप बता दिया, वो उस क्वेश्चन के आधार पर अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो बनना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि हम सब पूरा टाइप पढ़ा दें और फिर जब चैप्टर शुरू हो तो फिर से हमको पढ़ाना पड़ जाए, क्या समझ रहे हो। हाँ तो इसलिए टाइप पर ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत, चलिए आइए देखिए। अभी जो पहला जो क्वेश्चन हम लोग जो टाइप पढ़े थे क्वेश्चन, अगर किसी के पास है तो उस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो, ठीक है क्वेश्चन ना, कल जो पढ़ाए थे, बोलो क्या था क्वेश्चन, कोई भी उसमें उसमें से कोई भी क्वेश्चन एक बोलो। चलिए, दो संख्याओं का अंतर 40 है तथा पहली संख्या जो है तथा पहली संख्या दूसरे की लिख सकते हैं क्या, दुगुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ अब उसको ध्यान समझो, ठीक है, दिक्कत देखो, दो अंकों की एक संख्या दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग क्या लिख दें, मान लो कि चलो अंकों का योग 10 है, क्या है, अंकों का योग 10 है तथा क्रम बदलने से संख्या हो गया 46 हो जाती है, संख्या 46 हो जाती है तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या लिख लेते हैं, तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या दोनों क्वेश्चन जो है, ये जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है और ये जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो और बताओ तो क्या दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है या इनमें कुछ डिफरेंस है, ध्यान देखो। एक ही है क्वेश्चन, लेकिन उसका वो जो बोलने का तरीका है ना, वो अलग अलग कर दिया है। और कुछ नहीं समझो, तो सब बकलोलो है। यहाँ देखो, यहाँ कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 40 है और पहली संख्या दूसरे की दुगुनी है, यानी कोई भी दो संख्या है, कोई भी दो संख्या है, ठीक है, जिनका अंतर 40 है, ठीक है, और पहली जो है दूसरे की दुगुनी है, लेकिन यहाँ जो क्या करा है, दो अंकों की एक संख्या है, जैसे समझो
अगर तुमने 19 को बनाया होगा तो इसका आंसर कितना आया होगा तुम्हारा? तो मान लो कि अंतर 40 है, तो x माइनस वाई बराबर 40, तो x बराबर 2y, ठीक। तो यानी कि y बराबर कितना हो गया, 40 हो गया ना, y बराबर 40, ठीक। तो x बराबर 80 हुआ, x बराबर 80। देखो ये 80 अलग है, ये 40 अलग है, ये दो अलग अलग संख्या है। लेकिन यहाँ समझो, कहा जा रहा है कि दो अंकों की एक ही संख्या है और जिनके अंकों का योग 10 है, यानी दो अंकों की संख्याओं में कौन कौन से अंक होते हैं, समझे इस चीज को। देखो ये भी दो अंकों की संख्या है, ये भी दो अंकों की संख्या। जैसे मान लो कि अगर मैं लिखूं 64 लिखूं, तो ये कौन अंकों की संख्या है, तो ये चार क्या है, चार है। पढ़े सो ना, ऐसी क्या बोलते हैं संख्याओं का ये जो मतलब क्रम जो हम लोग पढ़ते हैं, संख्याओं का जो मान पढ़ते हैं स्थानीय मान, पढ़े हो ना, तो स्थानीय मान में से क्या पोजीशन होगी, मतलब इकाई, गजब। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये इकाई में कितना से गुना होता है, एक से, बोलो, चार गुने एक चार इकाई हुआ, ये अब क्या क्या होगा, दहाई में कितने से गुना होता है, यानी कि क्या होगा, छः दहाई, बस आ रही है, दहाई मतलब 10 क्या भाई, देखो कैसे गड़बड़ा रहा है, सौ से गुना, हाँ। तो क्या समझ में आया कि इकाई में कितना से गुना करना पड़ा और दहाई में कितना से गुना करना पड़ा, लेकिन यहाँ इस संख्या को को बना कितने, ये कितने संख्या हो गए, एक बेटा 64 दो संख्या है, ठीक है। यानी कि हुआ क्या कि ये 4 × 10 और प्लस में 4 × 6 × 10 × 4 × 1, देखो तो यही ना हमारा संख्या हुआ, करके देख लो, 6 × 2 = 60 और 4 × 1 बराबर में, ये हो गया हमारी संख्या। तो यही दोनों क्वेश्चन में अंतर है कि अगर अंक दिया गया होगा, दो अंकों की संख्या कहा जा रहा होगा, तो ये क्वेश्चन इकाई दहाई के कंसेप्ट वाला है, किसके कंसेप्ट वाला है, इकाई दहाई के कंसेप्ट वाला है। लेकिन अगर संख्याओं में मतलब कहीं भी प्रश्न में कहीं भी अगर अंकों का जिक्र नहीं होगा, तो ये प्रश्न जो है वो इंडिविजुअल है, एक्स मानेंगे पहली को और वाई मानेंगे दूसरी को बना लेंगे, लेकिन इसमें हम पहली दूसरी नहीं मानेंगे, इसमें क्या मानना पड़ेगा हमको, इकाई और दहाई मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक। जब हम संख्या बनाएंगे, जब सपोज करो कि ये अगर हमने इकाई को x मान लिया, इकाई को क्या मान लिया, x, और दहाई को हमने y मान लिया, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा बताओ जरा, इकाई में कितना से गुना होता है, एक से। इकाई में एक से गुना, अब प्लस करना पड़ता है ना, और दहाई में कितना से गुना होता है, दस से, चार में लगा देना, चार में 10 से, यानी कि ये क्या बन गया हमारा, x प्लस 10y क्या बन गया, ये क्या बना, तो बकलोला इंसान है भाई, अखंड एकदम आदमी है तुम, ठीक है, उल्टा लगता है, हो रहा। अबे कुछ कुछ पल पड़ा, दोनों में अंतर दिखाई दिया, तो ये तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ लेना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, तो चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है तथा अंकों का क्रम बदलने से संख्या 46 हो जाती है, तो संख्या क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है, दिक्कत। चलो हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ही अलग है, यहाँ क्या दिया हुआ है, दो अंकों की संख्या, तो क्या मानेंगे, माना कि क्या एक्स, मतलब माना कि एक्स, बकलोल इंसान है सब, माना कि इकाई का अंक, मतलब हाथ ना सताना, कथा सुनाया कोई फायदा ना हुआ, कथा है सुन के प्रसाद के लिए बैठ गया था,
एक्स तथा दहाई का अंक वाई, तो संख्या क्या होगी? अभी अभी बता ना संख्या क्या होगी, संख्या यार अखंड आदमी है तो सब यार, एक गुने इकाई और दस गुने दहाई, मतलब दिमाग से एकदम साफ खत्म हो सब। बट अब कहाँ तीन गुने चार गुने घुसा रहा है, मैं कहे के लिए तुम तीन चार घुसाएगा, बगल हम एक सौ ही ना मानेंगे, इसमें तीन तीन चार कहे मानेंगे, क्या अलग से होगा बताओ? क्वेश्चन तो मुझे 34 दे दिए, तो अब क्या इसमें करोगे, हो गए 34 संख्या, तो बकलो एक्स वाई या एस टी या पी क्यू ऐसे ना मानेंगे, तीन चार मान लेंगे ना, हम मान लेंगे संख्या में हमेशा निकाई में एक से गुना होगा, दाई में दस से गुना होगा, ऐसे में बकलो सब। अब यार अब यहाँ पढ़ो, यहाँ सर कुछ था नहीं, यहाँ है एक तुम्हारा समीकरण, क्या कह रहा है कि अंकों का योग 10 है, अंकों का योग 10 है, इसमें अंक कौन कौन है ये तो बता दो कम से कम भाई, अब मारेंगे ना तुम बाहर जाकर फेंका हुआ सर, 46 अंक है, 10 अंक है, कैसे 10 अंक हो जाएगा, यहाँ तो वो नहीं दिख रहा है यार, इकाई का अंक एक, दहाई का अंक वाई, तो ये ना अंक हुआ, अरे बकलोल मान लो कि ये 75 संख्या है, कोई पूछे इसमें कौन कौन अंक है, एक सही है अंक कौन कौन से हैं, 7 और 5 है, तो इसी तरह जो संख्या बनेगा हमारा इसमें कौन कौन से अंक दिखाई देंगे, तो हुआ अंकों का मतलब वो बाप रे बाप, हाँ 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 पुनः प्रश्न से सब के तो तू पकड़ लीजिए बारह अकेले, पुनः प्रश्न से अंकों का योग 10 है, अंकों का योग तो अंक कितना है एक्स और वाई, तो अंकों का योग 10 है, समीकरण एक हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है कि अंकों का क्रम बदलने से, क्रम बदलना मतलब अगर अगर मान लो कि 24 है, मैं बोलूँ किसे क्रम बदलो तो कौन संख्या बनेगी, एक से बनेगी, क्रम बदलने का मतलब क्या होता है, इकोनॉलॉजी है कि क्रम बदलने मतलब गुना होता है, क्रम बदलने मतलब क्या होता है, एकरा कहीं है एकरा कहीं है, इन्हें बोल क्रम बदलने का मतलब 42 हो, क्रम बदलने मतलब क्या हो गया 42 हुआ। अब जब हम इसको ऐसा किए तो देखो ये 4 क्या था, किसके जगह पर था, इकाई की जगह पर, और दहाई किसके जगह पर था, और 2 किसके जगह पर था, ठीक बहुत बहुत यहाँ ये अब 2 किसके जगह पर आ गया, और 4 किसके जगह पर आ गया, देखो तो उल्टा हो गया है, जो इकाई था वो क्या बन गया, जो दहाई था वो क्या बन गया, तो ये ना होता क्रम बदलने का मतलब, तो जरा बदलो तो इसमें बदलो तो अगर इसमें क्रम बदले तो क्या बनेगा, ये ना होगा क्या, हो क्या मतलब कि तरह के बताओ यार गजब, मतलब इतना तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं तब के बाद तरह एकदम लेखा के लेखे बढ़ा दे, यहाँ पढ़ो क्वेश्चन पर ध्यान में रखो सर, प्रश्न है अब यहाँ पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न का स्टेटमेंट कहाँ है, यहाँ से है, और क्या बोला कि क्रम बदलने से बनी संख्या, तो क्या बनी क्रम बदलने संख्या, यहाँ तो पहले बोला ठीक पहले छियालीस, अब क्या लिखें आगे, अच्छा अच्छा लिख दें बन गया बराबर, तो एक का मान तो बताओ, सब एकदम बकलोल सब यार तुम लोग,
अभी ना समझा है क्रम बदलने से क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई क्या होगा, इतना समझा था अभी। अब क्या है यार, मतलब साहब तू पर एकदम बहुत चट नारायण बरल हो गया। अभी हम लोग क्या समझा कि मान लो कि 42 है, जब क्रम बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, 24 बनेगा, यानी कि दहाई इकाई हो जाएगा, इकाई दहाई हो जाएगा। इसमें इसमें दहाई कौन इकाई कौन है, वाह वाह सामने लिख रहा भगवान आंखों निकल दिले हैं। ठीक है बेरा पार लगी हो हमारा कोचिंग के चलो बोलो भाई ये भंटा खाने आगे लगा इधर आ गया लिखल बाबे क्या हो राहुल खूब हंसा तरह लग गया अपने भी हाथ नहीं के मतलब तो तू कौन सही बात करता हम तो कंपनी ना एक से कई हो गए भाई जहां जो हमारा बस है ना सही गड़बड़ी बोल रही मान लो कि यहाँ एक्स क्या है इकाई है, हवाई क्या है दहाई है, इसे तो वाई में 10 से गुना होता है दहाई है और एक्स में एक से गुना होता है वो इकाई है। क्रम बदलने का मतलब क्या होगा कि ये वाई यहाँ आ जाएगा और एक्स यहाँ चला जाएगा, ये ना होगा, ये ना भी यहाँ समझाए थे। अब बिहान ब्लेम ना करो बिहान परसों का, ठीक है बिहान का पढ़ाई नहीं है, आज का पढ़ा रहे हैं अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है दिमाग तो यहाँ है नहीं तुम लोगों का, दिमाग रखने से ना पढ़ाई होता है, दिमाग वाला टेंशन पूरा टेंशन, पूरा समाज सेवा का टेंशन, पूरा गली पूछी का एकदम टेंशन है। तो क्रम बदलने का मतलब इकाई बनेगा दहाई, दहाई बनेगा इकाई, तो ये क्या था संख्या, संख्या तो बता दस पढ़ कितना नहीं टेन वाई था, पलटा तो क्या बनेगा अभी वाई बन गया। ये कौन सा संख्या, संख्या पलटने से बनी है जो किसके बराबर है, प्रश्न देखा लोग तो किसके बराबर है, ये तू सब कौन लॉजिक से बोल रहा है सब, कैसे कुछ मन आ रहा बोल दे रहा था, पारा आदमी है सब तो क्या भाई है? यहां तो सब आंख से नहीं दिख रहा है, क्रम बदलने से बनी संख्या 46 है, यहाँ क्रम बदल तब संख्या क्या बन जाएगी 64 46 यहाँ क्या दिया हुआ है, तुम 64 कर देगा, यानी खुद लिखा हुआ है कि अंकों का क्रम बदलने से बनी संख्या 46 है, तो ये क्रम बदल दिए तो संख्या किसके बराबर जाएगी 46 के बराबर। बाप रे बाप कैसे पढ़ाएंगे तुम लोग को यार हम, पूरा सबका सब बेचे में हुए है सबका में। ये ना था यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, अब कह दो सके क्वेश्चन नहीं के बुझा, कह दो कह दो सीधे यहाँ अंकों का योग, तो अंक का योग मतलब अंक की समझाई दिए तुम लोगों को, क्रम बदलने का मतलब तुम लोगों को समझाई दिए कि कहीं जाए जाएंगे कहीं बन जाएगा, तो उसे संख्या क्या बन जाएगी मतलब दिमाग फटी चुकी बात दिमाग मतलब आगे हो तो सो में कौन कौन वाली विधि तुम्हारा सही हो गया भाई, बिना समीकरण बनाए तुम विधि घुसा दोगे, मैं विधि में घुसेगा समीकरण बनाओ तो घुसेगा, जब तक तुम्हारा समीकरण नहीं सेट करोगे विधि से बनाओगे, अब यहाँ तुम बन सकोगे जैसे बनाओ वही तो करना ही पड़ेगा, हट बकलो एक है नहीं है अभी बता रहे कि ये दोनों अलग है ये अलग है। हाँ अब एक जैसे समझा दिए, अभी अभी अब हम मतलब मान लें इसमें इकाई है दहाई तुमको नहीं दिख रहा है, किसमें इकाई दहाई है इसमें नहीं दिख रहा है, किसमें संख्या है उसमें संख्या नहीं था, रहो यहाँ यहाँ रहो
तो मान लो कि संख्या के क्रम बदल सकते, तो क्रम बदलने का मतलब क्या होगा कि दहाई इकाई बन गई, इकाई दहाई बन गया, तो उसे संख्या कितनी बन जा रही है, 46 बन जा रही है, बराबर करेंगे ना 46। तो घर जाकर पढ़ा करो सब, ठीक है, आज चिमड़ा में जाकर सुलझा जो सब। तुम मतलब हमको नहीं लग रहा कि तुम लोग ज़्यादा कमज़ोर कोई यहाँ पर विद्यार्थी होगा सब। तो पुनः प्रश्न से हो गया, अब इसके बाद तुमको जो विधि मन करे, लुप्तिकरण मन करे लुप्तिकरण लगाओ, प्रतिस्थापन मन करे प्रतिस्थापन लगाओ, वज्रगुण लगाना हो तो वो लगाओ, ठीक है, अनुपात निर्णय लगाओ, जो लगाना अब यहाँ एक सही का मान निकालो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे लुप्तिकरण, तुमको जो समझ में आए कर लेना। यहाँ वाई वाई बराबर है ना, तो अगर मैं समीकरण एक में से दो घटा दूँ तो हो जाएगा। चलिए तो समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर एक्स प्लस वाई बराबर 10 और टेन एक्स प्लस वाई बराबर 46 माइनस 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 एक एक्स में 10 को एक्स गया 9 को एक आई वाई से कट गया 10 में 46 गया बोल दो तो नहीं भाई सच्ची सही पक्का सच्ची सही अच्छा कर ला कर यहाँ देखो माइनस 36 माइनस कट गया कितना बार में तो एक्स बराबर एक्स निकल गया ना अब वाई खराब बताओ अब वाई निकलने के लिए क्या करेंगे खराब तू क्या करने आते हो फिर अब क्या करेंगे कराओ मनु मनु महाराज छुट्टी बहाना मतलब छुट्टी के एकदम बहाना मार मार के छुट्टी कर रहे हो तो बताओ धीराज क्या करेंगे अब अभी मैं कहाँ समझ पा रही हूँ वजह से समझता रहा हूँ चीज़ के नौ तो एक गो एक सौ 10 एक्स गया तो माइनस 9 गो और 10 में से 46 गया तो माइनस 36 गया तो एक्स निकल गया अब वाई निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें वाह क्या करेंगे कहाँ पे नीचे नीचे ये वो है नीचे नीचे रख दें क्या करेंगे हो अभिषेक किस चीज में कहाँ हो तुमको दिख रहा है अरे तो सीधी सी भाषा में ये कहेंगे ना कि किसी से भी समीकरण में मान रख देंगे एक्स का वाई निकल जाएगा तो वही तो तुम नहीं बता रहे हो तो वही तो हम भी तुमसे पूछ रहे हैं कहाँ रखें बताओ सब चैप्टर पढ़ते पढ़ते आगे सब यहाँ अभी तक नहीं बुझा रहे तुम लोग अब कल करना सब ये सर बड़ी पढ़ाई ना ये बड़ी पढ़ाई तो तुम लोग जिस रास्ते मतलब जिस पढ़ाई का तुम लोग का तरीका है 500,000 बार पढ़ाई ना तो तुम लोग का तुम वहीं पर रहोगे घरे पढ़ना ही नहीं है पढ़ाई से भागते रहना है किसी से नहीं निकलेगा हम बता दे रहे हैं लिख के देते हैं इसे नहीं निकलेगा इसे नहीं निकलेगा इसे नहीं इसे नहीं इस चारों में से कोई समान नहीं निकलेगा अगर कोई निकाले तो आगे दिखा निकाल के दिखा दे और तुम चारों में से अगर कोई भी वाई का मान निकाल दे तो यहाँ आओ तुमको कल एक ट्रॉफी देंगे है देखो बता दिए ना ये सब पढ़ रहा था ये सब पढ़ाई हो रहा है मतलब बहाना तो इसे मारता है जिससे लगता है ना कि भाई पढ़ के मेरा बिगाड़ देगा सब शर्म आरम आ रही है थोड़ा कैमरा ऑन करो बताइए तुम चारों में से बताओ धीरज नहीं दिख रहा है धीरज थोड़ा उसको भी जगह दो भाई वो भी दिखे भाई सबको सबका हक है कैमरा में आने का नहीं बनाएगा तब तो चलो तुम अब कल का ही कहाँ से क्वेश्चन आ गया ये कल का क्वेश्चन है तो जब जब से तुम आ रहे हो
तब से चीज पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा है, तुम आए थे उस समय, हम पढ़ा रहे थे वज्रगुणन, पढ़ा रहे थे, पढ़ा है वज्रगुणन, पढ़ा ना वज्रगुणन, उसके तुम फिर आए थे तो प्रत्यासवन पढ़ा रहे थे, तुमको लुप्तिकरण नहीं पढ़ा है, तो प्रत्यासवन तो पढ़े हो ना, पांचों में से तुम किसी विधि से निकाल सकते हो, तो अगर तुम चारों में से अगर कोई है तो बोलो, बिहान मतलब ले हिंग पैसा करा रही दादा मौर्य से पूछा राज करो, तो उतने से क्या करता हो दादा मौर्य तो पूछा राज करी है, चलो अब शेख बना दोगे, वहाँ नहीं बना दोगे क्वेश्चन, अब वहाँ क्या यहाँ देखो, चलो तुम पांचों में से ये कोई बना के दिखा दे क्वेश्चन, हाँ दोगे, चलो रख दो, दांत निकाल हो गया, जरा रुको, जरा रुको, एक उसमें एक से बचा ही क्या है, एक कट गया था, एक ना हुई, तो किसका मां निकालने गए थे तुम, वही का, वही का, तो उसमें वही कहां है, वही बचा उसमें, वही तो कट गया, मैंने गए, मैंने गए, तो तुम आ जाओ, तो तुम गए ना, हंस रहे हो, तो तुम बुझा रहा ना, तो तुम आ जा, क्या तुम नहीं पढ़े हो, हल्का सा दिक्कत है ना, तो आओ फिर पढ़े, मतलब तुम आओ मत, तुम 20 दिन गायब हो जाओ, फिर जब फंसो, जब जब मतलब शर्म आए तब एक बार पढ़े ना, एक बार पढ़े ना, तो बेशरम तो हो सब, बेशरम तो पूरा हो सब, शर्म ना कोई चीज है नहीं तुम लोगों, तुम गए थे मान निकालने भाई का, तुम्हारा भाई निपटा कर भाई सब कटा लिए नीचे सर, गजब भाई, अरे कुछ अपनों ले लो फोटो में के मरा घर नीचे, क्या घर रिवीजन करने से ना होता, तो रिवीजन तो करना है नहीं, अरे मारे कुछ ले ली भाई, क्या आ जा भाई, आ जा अभिषेक, आ जा बैठो पूरा पढ़े हो, ओके बनाए तो टाइम तुम गेम ना, आ जाओ कहीं का, तू सब तो पहले से पढ़ रहा, शुरू से पढ़ रहा है ना, तो तुम लोग ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, एक्स कमा निकाल निकाल के वाई कमा निकालना, या वाई कमा निकाल के एक्स कमा निकालना, तो फिर तो यहाँ खाली झोरा झोरा आ रहे थे का, सही से करो कैमरा, किसी भी क्या बताऊँ, बताओ किसी भी समीकरण में अगर मान रख देंगे तो दूसरा का मान निकल जाएगा, अब समीकरण एक में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो क्या x का मान x प्लस वाई बराबर में 10 हो गया, तुम घसक जाओ इधर, तुम भी तो घसक जाएगा बकलो, तो x में सही बराबर 10, बैठ जाओ बेशरम है सब, x का मान कितना आया है 4, और प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर 10 माइनस 4,
इसलिए भाई बराबर छः। आगे भाई क्या मान, अब क्या फिर, अब बोलो ही मत फिर। चैप्टर वन पर है, उसमें चैप्टर वन को तीन पाँच पर पढ़ाया तुमको, पढ़ाए दो चार रेखे समीकरण का पढ़ाया ना पाँच बार तुमको, तुम क्या पढ़ो उसके, तुमको लुप्तिकरण से पहले पढ़ाए, फिर प्रतिस्थापन से पढ़ाए, फिर अनुपात निर्णय से पढ़ाए पढ़ाए, फिर तुम्हारा ये वज्रगुण से पढ़ाए, तो तुम क्या पढ़ लिए हो फिर, तुमको मान निकाल नहीं आ रहा है, क्या पढ़ रहे सब तुम, थोड़ा शर्म भी होनी चाहिए अपने अंदर, बिना जिज्ञासा बिना डर का बिना श्रद्धा का पढ़ाई नहीं होता है। तो तुम लोग ना जिज्ञासा है किसी चीज़ का, ना श्रद्धा है पढ़ाई को लेकर, ना डर है, बस थेथर हो सब, हाथ निकालते सब बेशर्मों की तरह मार खाते रहते हो सब। पढ़े हो सब ऐसा नहीं पढ़े हो, तो ये मुड़ी लगा नहीं पढ़ा तुमको, तुमको तुमको पढ़ाई से कुछ मतलब है, तुमको बुझाएगा पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन सब कि एक्स का मान निकाल के वाई का मान निकालना, वाई का मान निकाल के एक्स का मान निकालना है। ठीक है चलो, तो ये क्या निकला, ये एक्स एक्स और वाई क्या है, क्वेश्चन के अनुसार एक्स और वाई क्या है बताओ, तो ये है ना इकाई और दहाई है, तो लिख हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है, संख्या इसमें क्या कहाँ दिख रहा, संख्या कितना संख्या है हमारा, एक्स प्लस टेन वाई, वो हमारा संख्या है, तो हमें लिखेंगे यहाँ लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या क्या संख्या हमारा, एक्स प्लस टेन वाई, तो एक्स का मान कितना आया है, चार प्लस दस गुने, वाई का मान कितना आया है, छः, कितना आएगा, चौंसठ हो गया, जोड़ लो अंकों का योग दस होना चाहिए, जोड़ लो छः चार दस सही है, पलटने से कितना बनना चाहिए, पलटो तो बन जाएगा छियालीस, आ गया इसका मतलब आंसर सही है, कुछ पले पर आ हाँ, तो आपको हम सब पढ़ा दिए हैं, आपको जो भी हम पढ़ाए हैं एकदम कम्प्लीटली पढ़ाए हैं, हर तरह से पढ़ा दिए हैं, अब आप नहीं पढ़े हैं तो आपकी गलती है, वो आंसर चेक करना पढ़ा दिए हैं, एक क्वेश्चन को पांच पांच तरीके से बताना पढ़ा दिए हैं, समझे, तुलनात्मक अनुपात निर्णय विधि, लुप्तिकरण विधि, तुलनात्मक विधि, वज्रगुण विधि और कौन सा प्रतिस्थापन विधि, पाँच तरीके से पढ़ाए हैं, फिर ग्राफी विधि, छः तरीका हो गया, तो पढ़िएगा घर तब जाकर ना, ऐसा थोड़ी कि हमारे पास बाबा जी का बुट्टी ले आएंगे घोर के बुझा के पिला देंगे, ऐसा है क्या मेरे पास, तो आपको मेहनत करना ही नहीं, मेहनत से आपको डर लगता है, आप पढ़ना दसवा हो गया, चलिए लिखे क्वेश्चन कल बना कर लाइएगा, अगर संभव हो तो पढ़ ही रहे हैं आप, ठीक है, अरे बिल्कुल, आप तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, बांधा पर बैठ कर आप कोशिश करते हैं, देखते नहीं आपको, हम जब आते हैं मार्केट में आपको देखते हैं कि आप बैठे रहते हैं वो ऐसी पर ये क्या कहते हैं दीवार पर, कोशिश से पूरा कर ही रहे हैं आप, कौन आ रहा है कौन जा रहा है गिन रहे हैं, गाड़ी गिन रहे को गाड़ी गया को साइकिल गया, ओके देखिए दो दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या है, हो गया, दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग छ, है तथा अंकों के उलटने से हो गया बनी संख्या पहली संख्या के साठ बटा चार गुनी है,
सात बट्टा चार गुन्नी है, साढ़े चार गुन्नी है, साढ़े चार गुन्नी है, तो संख्या ज्ञात करें। एक क्वेश्चन हो गया, आगे लिखें। बोले दो अंक वाली एक संख्या के, दो अंक वाली एक संख्या के, संख्या के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल अंकों का योगफल योगफल 15 है, 15 है, हो गया। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, मूल संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। कितने क्वेश्चन हुए, दो, एक और लिखिए और आराम से घर जाइए। हो गया, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या दो अंकों की संख्या अंकों के योग की चार गुनी है, अंकों के योग के चार गुनी है, अंकों के योग के चार गुनी है। संख्या में 18 जोड़ने पर, संख्या में 18 जोड़ने पर, संख्या में 18 जोड़ने पर अंकों के स्थान पलट जाते हैं, अंकों के स्थान पलट जाते हैं, अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो संख्या निकालें, तो संख्या निकालें। तीन क्वेश्चन हो गए ना, तीनों क्वेश्चन कल बना के लाइएगा, अच्छा जाकर पढ़िए, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बोलेगा बुझाते ना, सीधी सीधी सी भाषा है, एक ही लाइन में कह देना ना बुझाते रहला, हो गए बात खत्म। अब मास्टर को बुझेगा वो हमारे नहीं पढ़ाया, मास्टर क्या दिक्कत, चलिए।